हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने एक वीडियो बनाया था जिस पर हमने INS विक्रांत को डिस्कस किया था अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के आधार पर। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी थी कि जो भी एनालिसिस किया जा रहा है वो बेस्ड है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर और ये एक्यूरेट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और उस पर बेस्ड होकर आप लोग कोई दावे ना करें तो बेहतर, क्योंकि हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना कि फैक्ट्स बता रहे हैं। तो सुबह भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे हमने बात करी थी कि कैसे नेवल तेजस को यूज़ किया जा सकता है INS विक्रांत की छोटी लिफ्ट्स पर, तो उसको लेकर भी कई लोग सीरियस हो गए थे कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेवी अपनी रिक्वायरमेंट जानती है, डिज़ाइनर्स जानते हैं उन्होंने क्या बनाया है। तो ये चीज़ आपको बता दें कि जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो नेगेटिव सिचुएशन में ही देखी जाती हैं। ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी कभी कभी सही नहीं होता है, क्योंकि उस केस में आप अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन के हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। आई होप अब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों और आगे जो चीज़ें आने वाली हैं उनको पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर देखा जाए ना कि फैक्ट्स के तौर पर। तो लिफ्ट्स के डायमेंशन को लेकर जो बात है पहले उसे क्लियर करते हैं। तो जो INS विक्रांत की इमेजेस आई हैं, ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि वो सैटेलाइट इमेजेस नहीं हैं, हेलीकॉप्टर से ली गई हैं तो ज़्यादा क्लियर हैं। तो अगर आप शिप की लेंथ से लिफ्ट की लंबाई को नापते हैं तो कई लोगों का ये जो मेजरमेंट है वो 10 मीटर के आसपास आता है। हमने जब इसको नापा था तो हम साइड में थोड़ा टॉलरेंस लेकर चल रहे थे, तो 9 मीटर के आसपास जो है वो मेजरमेंट रखी थी। तो इस टॉलरेंस को इंक्लूड करने का जो पर्पस था उसे आप इस वीडियो से समझ पाएंगे। तो ये USS कार्ल विल्सन का वीडियो है जिसमें F-18 जो है वो उसकी एलिवेटर पे लोड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो एलिवेटर में जाने से पहले जो बड़ा सा डोर लगा रखा है जो कि फिक्स्ड है, वो साइड से बिल्कुल एलिवेटर के साइज का नहीं है, थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पर हम ये टॉलरेंस लेकर चल रहे हैं। हो सकता है विक्रांत के केस में चीज़ें अलग हों, पर अगेन यहाँ पर हम एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद ये बात भी सही है कि जो लिफ्ट है वो सी फेसिंग है, तो एयरक्राफ्ट को समुद्र की तरफ और ज़्यादा आगे निकाला जा सकता है, पर ये एयरक्राफ्ट की लेंथ को लेकर हेल्पफुल होगा। लंबे एयरक्राफ्ट आराम से लिफ्ट पर आ सकेंगे, पर चौड़ाई में इसमें कोई मदद नहीं मिलने वाली। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा टिल्ट करके भी लिफ्ट पे फिट किया जा सकता है, तो ये चीज़ भी है, लेकिन एयरक्राफ्ट को जिस डोर से होकर लिफ्ट पर जाना है वो फिक्स्ड है। तो अगर टॉलरेंस बहुत कम है तो एयरक्राफ्ट सीधा सीधा ही जाएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट है, इसे हम साइड पे रखते हैं। अब बात करते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट की। तो जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि सुपर हॉर्नेट फिट होगा या नहीं होगा अगर 10 मीटर लंबाई है लिफ्ट की। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, दो एयरक्राफ्ट हैं, एक F-18CD हॉर्नेट है, दूसरा F-18EF सुपर हॉर्नेट है। F-18CD F-18EF यानी कि हॉर्नेट जो है वो सुपर हॉर्नेट से छोटा है। तो हॉर्नेट का जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 27.5 फीट का है। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये 8.3 मीटर के आसपास पड़ता है, जो कि सफिशियंट है एक 10 मीटर लंबाई वाली लिफ्ट पर आने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम सुपर हॉर्नेट की, तो उसका जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 32.6 फीट का आता है, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 9.9 मीटर होता है। तो एक 10 मीटर की लंबाई वाली लिफ्ट पे 9.9 मीटर के विंग स्पैन वाला एयरक्राफ्ट फिट करना ये बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसे कह रहे थे कि ये बहुत टाइट फिट आएगा। तो ऐसे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट पर लोड करने का मतलब ये है कि लोडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डिप्लॉयमेंट टाइम भी बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ जगह पर ये फोल्डेड विंग स्पैन को 9.38 मीटर भी कोट किया गया है, अगेन ये टाइट फिट है, तो इशू वहाँ पर भी है। तो ये चीज़ हम दोबारा क्लियर करना चाहेंगे कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है सच्चाई में जो लिफ्ट की लंबाई है वो 10.5 मीटर हो या फिर 11 मीटर के आसपास भी हो, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उस पर बेस्ड होकर कर रहे हैं। बाकी हम और चीज़ों को डिस्कस करें, जितना हमें पता है वो ये है कि बोइंग जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने एयरक्राफ्ट को लेकर, और उनका मानना यह है कि उनका एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि बोइंग ने अपनी स्टडी करी होगी, लेकिन ये आगे देखने वाली बात होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपना एयरक्राफ्ट विक्रांत के या फिर विक्रमादित्य के एलिवेटर पर कैसे फिट करते हैं। तो अब इस मैटर को हम साइड करते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करते हैं। तो INS विक्रांत का जो डिज़ाइन है वो विक्रमादित्य के कंपेरिजन में हर मामले में बेटर है, चाहे डेक पर मैक्सिमम एयरक्राफ्ट को कैरी करने की बात हो, चाहे अरेस्टर केबल अरेंजमेंट की क्वालिटी की बात हो, चाहे मेन आइलैंड की बात क्यों ना हो जिसमें उसके सेंसर्स वगैरह और ऑपरेटिंग एरिया वगैरह आते हैं।
तो आईएनएस विक्रांत के बारे में हम जानते हैं, इसको लेट डाउन किया गया था 2009 में और कमीशन होते होते 2022 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 13 साल का समय जो है वो लगा है, पर इस लंबे समय में हमें एक्सपर्टीज मिली है ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में। तो इस एक्सपर्टीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आईएनएस विक्रांत के डिज़ाइन पर बेस्ड होकर एक फ्लैट टॉप या फिर कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा सकता है, जो कि हैवी एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर से लॉन्च करने में सक्षम होगा। तो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद से जो पावरफुल अवैक्स वगैरह हैं वो भी इनसे लॉन्च किए जा सकते होंगे। तो चार्ल्स डे गॉल के तर्ज पर एक 45,000 टन क्लास का कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है जो कि नॉन न्यूक्लियर हो। तो आईएनएस विक्रांत को बनाने के बाद जो हमें एक्सपीरियंस मिला है उसकी वजह से इसे बनाने में थोड़ा कम समय लगे और हम एक बार में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर पाएं। क्योंकि अगर हम IAC-2 को लेकर और ज़्यादा समय लेते हैं तो जब तक वो एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में आएगा तब तक आईएनएस विक्रमादित्य के रिटायर होने का टाइम हो जाएगा। तो एक टाइम पे हमारे पास खाली 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। तो यहाँ पर टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक अवेलेबल डिज़ाइन पर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ज़्यादा सेंस बनाता है क्योंकि ये समय को कम लेगा। बाकी डिबेट इसके कैटापुल्ट सिस्टम को लेकर भी हो सकती है कि इसमें इमाल्स को यूज़ किया जाए या फिर स्टीम कैटापुल्ट को यूज़ किया जाए। तो हमारे हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि जो इमाल्स है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम जिसे जेराल्ड फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से यूज़ किया जाता है, वो हर मामले में स्टीम कैटापुल्ट से बेटर तो है, स्पेस भी कम लेता है, ज़्यादा स्मूथली एयरक्राफ्ट को लॉन्च भी करता है, पर उसकी पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को ज़्यादा सूट करेगा। वहीं पर बात करें स्टीम कैटापुल्ट की, तो स्टीम कैटापुल्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है स्टीम बनाने के लिए। अरेंजमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है पर रिलायबल है, सालों से यही अरेंजमेंट यूज़ होती हुई आ रही है। और जो पहला आईएनएस विक्रांत था उसमें भी स्टीम कैटापुल्ट ही यूज़ किया जाता था, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर यहाँ पर स्टीम कैटापुल्ट को यूज़ किया जाए। अभी भी जितने ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो स्टीम कैटापुल्ट को ही यूज़ करते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है अगर हम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को एक समय पर ऑपरेट करना चाहते हैं। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।